चाहते हैं पूरा चड्डी बनियान उतर जाएगा मेरा। ब्रो आप कितने दिनों से यूट्यूब पर काम कर रहे हो, सच बताइए सर, आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आपकी ड्रीम बाइक कब ले रहे हैं? इन्हीं बहन को लूट लेता हूँ बनरिया को। उससे दिखा आप लोग को, नहीं कलर चेंज हो रहा था ना, आप लोग को जानना है तो कमेंट कर दो। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा रहता है, तगड़ा रहता है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को ज़रूर बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे होता है, कैसे एडिट होता है। तो पहले तो आप लोग आज का क्यों मैंने बता देता हूँ यार, आप लोग बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैं नहीं चाहता था भाई, वही चीज़ आप लोग को बार बार इतने सारे क्वेश्चन, मतलब 100 में से 50% क्वेश्चन जो थे आप लोग जान चुके हुए। अभी जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ गर्लफ्रेंड अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मतलब कुछ भी यार गर्लफ्रेंड। हाँ यार एक चीज बेकार चीज ये लगा मेरे को कि भाई किसी के पास मैसेज करो, वो कुछ काम के लिए है तो ठीक है समझ आता है, अब उसको मैसेज तो कर रहा हूँ मैं, उसके बाद एक या दो मैसेज करने के बाद क्या जवाब आता है? भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है बोलना और गर्लफ्रेंड कितनी है बोलना, भाई ये थोड़ा इंसल्ट वाला चीज हो जाता है ना। लड़कियों की भी एक इंसल्ट हो जाती है कि आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड है, ये अपना खुद एक माइंड में लेकर देखना। शाबाश बेटा, तो चलिए यार बातें ज्यादा नहीं करता और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आपका कौन सा क्वेश्चन मैंने पिक किया और कौन सा नहीं किया। अगर जिसका क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया दिल से मैं सॉरी बोलूंगा यार, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो कुछ ही मैं जो आप लोग को बताने चाहिए वो सब मैंने पिक किया। तो फर्स्ट तो आप लोग इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउन कर दिया हूँ बट स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। और चैनल पर अगर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक भी कर देना और तोड़ देना सब्सक्राइबर बटन जो है उसको भी तोड़ देना, फोड़ देना, जो भी करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो वैष्णवी जी ने पूछा है, बिग फैन सर पिक माय क्वेश्चन, आपका निक नेम क्या है एंड आपका फैमिली में कितने लोग हैं? तो पहले तो आपको थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जो कि मैं चाहता था कि ऐसे कुछ हो। मेरा निक नेम है, मेरे को पापा जो है दादू बोलते हैं और घर में मम्मी जो है पिंटू बोलते हैं, तो पिंटू और दादू दोनों हैं। और मेरे फैमिली में कितने लोग हैं? तो मेरे घर में 5 लोग हैं। 5 लोग कौन कौन? मम्मी हो गए, पापा हो गए और एक बंदरिया टाइप सी मेरी शक्ल की है, मतलब मेरी शक्ल की नहीं, मतलब बंदरिया टाइप की एक बहन है। और चौथे में मैं आता हूँ। और पांचवे नंबर पे हमारा प्यारा सा एक तोता है घर में, मिट्टू है, जिसको हम लोग फैमिली मेंबर ही मानते हैं, उसका नाम मानू है। तो हो गया 5 लोग। तो फर्स्ट है विमला वर्मा, भैया आप बहुत अच्छे हो, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं? सेकंड आकाश अरोरिया, तबियत कैसी है अब भाई जी आपकी? दोनों को पहले तो थैंक यू, एंड घर में सब लोग अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और घर में मात्र पापा को छोड़ के ना सब लोग अच्छे हैं। पापा जो है मेरे से इरिटेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्यों पता है? काम धाम इसका है नहीं, खाली ये यूट्यूब बना रहा है, यूट्यूब पे कुछ होना जाना तो है नहीं, पैसा ऐसा है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विपुल यादव और आदित्य संदीप सीजी 36, इन दोनों का क्वेश्चन है, कहाँ से हो भाई और आप सीजी से हो? तो भाई मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार जिले के तहसील कजडोल से, और छोटा सा गांव है मेरा सिमरिया और कुसमसरा पास में ही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नजाकत भाई की तरफ से, बिग फैन सर 1K कांग्रेचुलेशन फॉर उत्तराखंड, माई क्वेश्चन की आप स्टडी क्या करते हो? तो भाई थैंक यू। तो भाई मेरा तो अभी 12th पास आउट के बाद आया, BSc फाइनल ईयर में प्राइवेट कर रहा हूँ। 12वीं के बाद मैं DCA किया एंड उसके बाद वेटनरी पॉलिटेक्निक जगदलपुर से किया, कंप्लीट है ये सब एंड फाइनल अभी चल रहा है मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घर से ही, हमारे बहन लोग का बोलना चाहते हैं, मेरा मतलब बेइज्जती कराना चाहते हैं, पूरा चड्डी बनियान उतर जाएगा मेरा इस टाइप से। 10वीं और 12वीं का मेरे से मेरा परसेंट जानना चाहते हैं भाई, जो कि अभी फिलहाल ना जानो तो सही रहेगा, वरना इतने सारे कमेंट आ जाएंगे कि इसको आता जाता कुछ नहीं है, जो भी फलाने का बता देता है भाई ऐसा नहीं। तो 10वीं में मेरा परसेंट जो है मत जानो, 12th का सही है वो आप लोग को आगे बता दूंगा, लेकिन अच्छा है फर्स्ट डिवीजन से निकला हूँ ये जान लो, और 10वीं में भाई सेकंड डिवीजन से निकला हूँ ये जान लो ठीक है। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्टी वासु की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो 1K, सच बताना आपकी गर्लफ्रेंड है? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। फर्स्ट यार थैंक यू, एंड ये बात जो है गर्लफ्रेंड वाली यार मैं पक्ष का हूँ, ये सभी में है, आपको आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा ब्यूटीशियन ब्लॉग की तरफ से, आपकी कास्ट क्या है? माय क्वेश्चन, तो मेरी जो कास्ट है साहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्सू भाई की तरफ से, भाई ने पूछा है चेतन भाई आप लेट ब्लॉग क्यों डालते हो? इसका रीजन है भाई घर में, मतलब रायपुर में रहता हूँ तो रायपुर से आना जाना भी बीच में बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए 1 से 2 वीक आपको लेट मिला, एंड अब की बार
आप लोग को एक से दो दिन बाद व्लॉग मिलेगा, क्योंकि यार एक से दो दिन इसलिए है क्योंकि एक दिन शूट करो और लैपटॉप मेरा इतना लेंदी प्रॉब्लम पागल कुत्ता है कि पूछो मत, रात भर ले लेता है भाई एक्सपोर्टिंग में फिर अपलोडिंग में, इसलिए जाने दो। तो एक से दो दिन बाद आप लोग को डेली व्लॉग मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टू जेड टिकटॉक की तरफ से, ब्रो आप कितने दिनों से यूट्यूब पर काम कर रहे हो और प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो यार मैं जो हूँ दिसंबर के मतलब स्टार्टिंग में ही किया था और अभी जो है मई चल रहा है, तो सोच सकते इतना दिन हो गया और अभी अभी मेरा 1K हुआ है एंड आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है अभी कि अब यूट्यूब प्रॉपर करने का दिल मन हो गया, और जहाँ दिल लग जाए वहाँ तो जान लगा दो, ऐसा बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निशान ब्लॉग की तरफ, कॉन्ग्रेचुलेशन 1K, ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट किया कुछ बताओ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत। तो भाई थैंक यू यार, मेरा तो जो है ना मन 9वीं या 10वीं क्लास से ही था, उस टाइम मेरे पास सबसे फर्स्ट मोबाइल में बताओ J2 मतलब J2 एंड उसके बाद J7 था। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग का कुछ कुछ नहीं बात, मेरे को दूसरा चैनल था गेमिंग का करता था पहले, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर गाने वाने का डालता था, मतलब बहुत कुछ। फिर लास्ट टाइम में मनोज देखा एक छोटा सा जो सेटअप टूर देखा था, उसके बाद से भी एक अंदर से आग लग गया था, फिर दो दिन बना फिर भच हो गया। उसके बाद रोहित खत्री का देख रहा था जिम विम बॉडी वाला, तो छत में चढ़ जाता उसमें जिम विम बल्ले डोले वोले बनाता उसका बनाता, फिर वो भी गया। फिर मेरा अचानक से जगदलपुर में हो गया, तो जगदलपुर गया वहाँ भी एक नारा था दोस्त के साथ, मेरा एक दोस्त था बब्बू बान, उसके साथ भी मैंने ट्राई किया, एक चैनल ओपन किया गेमिंग का, उसमें भी एक दो गेम वगैरह खेलते थे पबजी वाला, उसको भी फिर बंद कर दिया। फिर मैंने अभी अभी रिसेंट मतलब विकास भाई का देखा, तो विकास भाई ने ही मेरा चैनल जो है ना बताया कि ऐसे फर्स्ट तो मेरा चैनल का जो देव नाम है ना देव ब्लॉग्स करके, उसको मैं चैतन्य देव मतलब इससे पहले 10 या 12 चैनल मैं ओपन कर चुका हूँ, फाइनली उसके बाद देव ब्लॉग्स करके जो ओपन किया ये थोड़ा सा चलने लगा और ये अभी देख रहे हो आप लोग। तो फर्स्ट यार विकास भाई ने भी मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि वो वही भाई मेरे को बताएं कि इस नाम से चैनल ओपन कर और ऐसे कर करके, तो अभी तक मेरे को शुरू से लेकर अभी तक साथ है और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, करीबन 1 या 2K था उसका फैमिली था यूट्यूब पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई की तरफ से, भाई ने पूछा है बिग फैन सर जी प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आपकी ड्रीम बाइक कब ले रहे हैं ये प्लीज बता दीजिए। ड्रीम बाइक भाई शो कर रहा हूँ इस बाइक को देख लो आप, यही है। बट यार भाई अभी मैं जो है बाइक जो दिखाया ना आपको सपने में घूम लेता हूँ, लेह लद्दाख चले जाता हूँ, आप लोग को जल्द पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग प्यार और सपोर्ट भर भर के करोगे इतना इतना सारा आसमान जितना, तो हो सकता है कि जल्दी से पूरा हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य संदीप सी जी से, तो आप कौन सा फोन या कैमरा यूज करते हो पिक माई क्वेश्चन। तो भाई मैं जो हूँ आईफोन 12 यूज करता हूँ, जिसका स्टोरेज है 128 GB एंड इसमें शूट करता हूँ, इसमें फिर उसके बाद एडिट करता हूँ, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगता है। तो एडिटिंग मेन होता है, एडिटिंग अगर आप लोग कर लिए तो आप कोई सा भी मोबाइल से आप शूट कर सकते हो नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है AN म्यूजिक की तरफ से, भाई ने पूछा है कौन सा ऐप से एडिट करते हो रंग जो है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग बदल जाते हैं मतलब। तो भाई अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए फर्स्ट तो मैं बता दूं मैं प्रीमियर प्रो से करता हूं लैपटॉप में, एंड इसका आपको फुल वीडियो चाहिए यार तो कमेंट भर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी जाकर ये फुल वीडियो आप लोग को दूंगा, तो कमेंट कर दो ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना की मीम्स की तरफ से, वॉच टाइम कितना कम्प्लीट हुआ है या नहीं और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए कि नहीं। भाई भाई पहले तो यार मोनेटाइजेशन तब होता है मतलब जब वॉच टाइम कम्प्लीट हो, 1000 तो कम्प्लीट हो गया, वॉच टाइम जो है थोड़ा सा बचा है, जो आप लोग अगर सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, प्यार करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें तो हो जाएगा जल्दी, और उसके बाद अप्लाई करूंगा यार। तो सपोर्ट करो और प्यार करो और शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव सिंह की तरफ से, भाई ने पूछा है पिक माई क्वेश्चन, भाई आप MP कब आओगे जरूर बता देना डेट। तो भाई अभी तो यार जस्ट कुछ ही दिन हो रहा है, विकास भाई के साथ मनाली गया था तो गया था, मतलब वहाँ नहीं गया था मैं MP आपके साइड, अभी नेक्स्ट थोड़ा टाइम लगेगा बट जरूर आऊँगा, एंड आऊँगा तो आपको डेट टाइम सब चीज़ बताऊँगा, इंस्टा पे फॉलो करके रखे हो ना तो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू अल्लू अयान की तरफ से, फ्रॉम मनाली बिग फैन सर प्लीज पिक माई क्वेश्चन, वेयर डू यू गेट मनी टू मेक अ व्लॉग, मैं मतलब पैसा कहाँ से लाता हूँ व्लॉग करने के लिए। आपने यही पूछा ना भैया, इंग्लिश थोड़ा वीक है मेरा, चला लेना ठीक है, और अगली बार हिंदी में कर देना भाई अगर कष्ट ना हो तो, ठीक है। तो भाई पैसा ऐसा है यार कि मैं अपनी बहन को लूट लेता हूँ बनेरिया को, या तो मम्मी से लूट लेता हूँ या पापा, पापा तो ऐसे भी मेरे से है ही पर था, पापा को ही इतना लत्याचार करके उसका पापा दे दो ना यार ऐसे वैसे करके प्यार में दे देते हैं, फिर पापा यार फिर चले जाता हूँ। और रायपुर में कुछ दिन एक दो महीना जॉब किया, उसमें भी पेमेंट मिला 8000-10000, फिर मिलता है जैसी वैसी ब्लॉक करता हूँ फिर वो भी चला जाता है यार। कपड़े लेने के लिए कसम से बता रहा हूँ, मेरे को 3 बार दे दिए, शादी में भी दिए, बट YouTube भाई पूरा मतलब 3 बार मेरे को 5000-5000 दे चुके हैं कपड़े लेने के लिए, बट वही घिसी पिटा वही चल रहा है मेरा, कपड़ा भी ले नहीं पाता मैं, तो ऐसा हाल है भाई। क्वेश्चन एंड लास्ट सबसे जो आप लोग को सबको जानना बहुत ज़रूरी है,
और बहुत ज्यादा कमेंट है। तो भाई फर्स्ट तो यार ये क्वेश्चन डिंपल ने पूछा है, सच बताइए सर आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं और कैसी है? फ्रॉम यूपी, लव यू सर। थैंक यू डिंपल जी, आपका थैंक यू। भाई पहले तो यार शकल ही खराब है और आप बोलते हो गर्लफ्रेंड कैसी है, क्या है बताइए, गर्लफ्रेंड होगी तो मैं बताऊँ आप लोग को। भाई क्या ही बोलूँ यार आप लोग को, आप लोग कुछ भी बोलते हो, गर्लफ्रेंड कितनी है क्या है अदरक लहसुन कुछ भी, भाई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। शकल देख कर ही सब लोग भैया बोल देते हैं यार, तो आप लोग बोलते हो कि गर्लफ्रेंड कितनी है। भाई ऐसी बात मत किया करो भाई, मुझे रोना आ जाता है भाई, कुछ भी बता देता हूँ यार। सो भाई गर्लफ्रेंड वाला मैटर ये आप लोग को क्लियर कर दूं, भाई अभी तो कोई ऐसा लाइफ में नहीं है, जो भी है आप लोग को आगे पता चल जाएगा जैसे भी होगा, लेकिन अभी तो खैर मैं यूट्यूब में ही फोकस करूंगा एंड जो भी है आगे करियर पहले देखना, उसके बाद गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो भी हो फाड़ में जाए वो उसके बाद होगा, जैसे भी आप लोग को पता चल जाएगा आगे। लेकिन अभी तो खैर कैंसल कुछ भी नहीं है, ये आप लोग दिमाग से हटा दो, अगली बार से ये क्वेश्चन मेरे पास मत आना चाहिए कि गर्लफ्रेंड कौन है, कितनी गर्लफ्रेंड है, ये पूछना ही मत। सो भाई अब करते हैं वीडियो को ख़त्म, हो गया सबका, जिसका भी छूटा होगा यार मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन था, उसमें से कुछ जो आप लोग को जानना चाहिए, आपको अच्छा लगे जो भी मुझे बताने में और आप लोग को जानने में, वो सब मैंने किया। एंड नेक्स्ट बारी आप लोग को जब भी क्यू एन ए करूँगा आपका पिक करूँगा, और बुरा मत मानना जैसे भी हो, लंबा हो चुका है वीडियो पहले ही, तो अब वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि दोस्तों ये छोटा सा हमारा क्यू एन ए आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ये सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी दबा देना, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खाते पीते रहो, अच्छे से रहो, सेहत का ध्यान रखो। सो बाय बाय।